करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान के टॉपिक, जिसमें आपका 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइएगा ऑनलाइन क्लास में, आप सभी का स्वागत करते हैं। और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ करके लिखा हुआ है, ठीक, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका पीडीएफ हमको चाहिए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन में आप याद रखेंगे, हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर के बाल मनोविज्ञान के टॉपिक से पूछा जा रहा है। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, ये आपकी शिक्षक भर्ती के लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट चाइल्ड फिजियोलॉजी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये पहले हम आज की जो क्वेश्चन रहा था ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें हम आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, वो लगभग आपका 40 एमसीक्यू के बराबर रहेगा। जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर रहेगा। तो कंटिन्यू कीजिएगा, है ना, पहले जो क्लास थी उसको हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे। तो सबसे पहले आप सभी को एक और आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स, मैथ्स की जो क्लास है हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं। और आपका सबसे पहले देखिए, जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा आज के इस वीडियो में, पूरा पीडीएफ देख पा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। की पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, ये आपको पूरा नोट्स और फैक्ट है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के साथ ही साथ आपको मैं थ्योरी भी बताऊंगा, मॉक टेस्ट के साथ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेगा, इसके साथ आपको फैक्ट मिलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। तो बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये की नोट्स है, पॉइंट पॉइंट आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न आते हैं। और ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब इसका क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए उसका इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है, मान लीजिएगा, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है चाइल्ड फिजियोलॉजी का, क्वेश्चन पहला। तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा उसके साथ मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और आपको फैक्ट यानी कि की नोट्स, आपको फैक्ट भी बताऊंगा कि किस पॉइंट से और यह किस प्रकार से होता है। साथ ही आपका इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि शिक्षा दर्शन, शिक्षा, ये सब जितने भी उसके क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे वो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं छूटेगा। और ये एक और है, आप याद रखना, मैथ्स का जो क्लास है कल से प्रारंभ किया जाएगा। पूरा मैथ्स में आपको हॉस्टल वार्डन में 25 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपको कंप्यूटर का 30 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और बाल मनोविज्ञान का आपका 10 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आपको क्लियर समझ में आया, मैथ्स का 25 नंबर, कंप्यूटर का 30 नंबर और बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर, कितना क्वेश्चन होगा यहाँ से, बाकी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, अगर आपको हमारा जो परफॉर्मेंस अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक, और जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका पीडीएफ चाहिए करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, छात्रों की आवश्यकताओं के लिए आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। छात्रों की आवश्यकताओं की जो रुचि है उसकी शिक्षा का विषय का क्या अंतर्गत आता है, मतलब छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों पर शिक्षक का क्या विषय है, इसके अंतर्गत क्या आता है। शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाज शास्त्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा क्या गया है कि छात्रों की आवश्यकताओं के लिए, तो शिक्षा का मनोविज्ञान इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, शिक्षा का मनोविज्ञान। होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए, क्षमता, रुचि, बुद्धि, आवश्यकताओं का अध्ययन ही सफल संचार के लिए विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को अपनाना ही शैक्षिक मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान द्वारा सहायता प्राप्त करता है। अब फैक्ट याद रखना कि इंपॉर्टेंट है आपका कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का मूल्य किस प्रकार हो सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर फैक्ट है, शिक्षण को सीखने के सिद्धांत और अभ्यास दोनों ही प्रशिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के मूल्य पर जोर दिया जाना चाहिए, ठीक। सेकंड, के मैं बात करूं कि शिक्षकों को उनके छात्रों की जो विशेषताएं हैं उनकी क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तीसरा, मैं बात करूं यह देखते हुए शिक्षक का जो लक्ष्य छात्रों को उनके व्यक्तित्व को
उनके विकसित के लिए करने में सहायक करना या फिर शिक्षकों को लाभ प्राप्त होगा। यह शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों की जो आवश्यकताओं हैं उनको सीखने के शैलियों के अनुरूप में ढालने में मदद कर। ठीक, अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, इसलिए छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी रुचि के बारे में शिक्षा का ज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो छात्रों की आवश्यकता और रुचियों के बारे में शिक्षा का ज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। बस इतना टॉपिक पढ़ लीजिए। ठीक, अब देखिए इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, शिक्षा दर्शन। ठीक, तो शिक्षा दर्शन क्या है, तो यहां पर देखेंगे व्यवहारिक या व्यवहार का दर्शन। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके एक बार बताइएगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं फिर क्वेश्चन में। ये जो शिक्षा दर्शन के रूप में जो जाना जाता है, शिक्षक की जो प्रकृति है उनके उद्देश्यों के साथ साथ ये जो शैक्षणिक सिद्धांत है उनका व्यवहार है उत्पन्न होता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक, समझ में आया। शिक्षा का समाज शास्त्र यानी कि जो शिक्षा का जो समाज शास्त्र इस बात की जांच करता है कि सामाजिक जो संरचनाएं हैं, व्यक्तित्व की परिस्थिति, शिक्षा और उनके परिणामों जैसे जो कार्य है प्रभावित होती है, और मुख्य रूप से जो आधुनिक औद्योगिक सभ्यताओं की जो सार्वजनिक शिक्षा का प्रणियों का जो ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से जो आगे वयस्क सतत शिक्षा के विकास पर होता है उसको शिक्षा का समाज शास्त्र कहते हैं। शिक्षा की राजनीति जो शिक्षा और सीखने की जो राजनीति है उसके विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट ऑफ हो चुकी है, लाइट ऑफ हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं अगर धुंधला आ रहा होगा तो। ठीक, कुछ देर में आ जाएगा लाइट, क्लास करते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड कहता है, जिस मनोवैज्ञानिक ने बाल अध्ययन विधियों का परिचय दिया था वह किस प्रकार का है, कौन सा होगा ऑप्शन। ऑप्शन ए स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, या ऑप्शन थ्री लोम्ब्रोसो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस मनोविज्ञान ने बाल अध्ययनों या विधियों द्वारा परिचय दिया था वह कौन सा था। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कौन सा होगा, ए बी सी डी या फिर ई। ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं इसको चालू करके रखता हूँ। ठीक, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं थोड़ा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। क्लियर आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, तब तक मैं थोड़ा आता हूँ। ठीक, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे। चलिए छोटो एक दरवाजा ला, बंद कर दे। तो उधार दे दो। चलिए लाइट आ चुकी है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका ए। ठीक, देखिए यहाँ पर जो फैक्ट बताया गया था डार्विन के विकास के सिद्धांत पर, तो ऐसा करो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर कराऊँ, फैक्ट भी बताऊं। ये आपको देखिए यहाँ पर ये वाला जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसको बता दे रहा हूँ। बाल अध्ययन के लिए अन्य प्रमुख योगदान हाल छात्रों में जॉन डार्वी, अंडोल गेसल और जॉन वाटसन द्वारा किया गया था। चलिए इसका आपको मिल जाएगा, निष्कर्ष निकाल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन तीसरा कहता है, खाद्य
खालिस्तान मनोविज्ञान का अध्ययन ही जीवन भर किया जाता है। ऐसे कौन सा मनोविज्ञान का अध्ययन है जो जीवन भर किया जाता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो संज्ञात्मक, विकासात्मक, शारीरिकात्मक या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब मनोविज्ञान का अध्ययन जीवन भर किया जाता है, मतलब मनोविज्ञान का जो अध्ययन है जीवन भर, यानी कि क्या करते हैं, विकास करते हैं जीवन भर, क्या करते हैं, विकास करते हैं। इसका आंसर आपका होगा बी, विकासात्मक। अब देखेंगे कि विकास जीवन में बढ़ने, बदलने, परिपक्व होने की प्रक्रिया ही विकास की प्रक्रिया नवजात अवस्था से शुरू होती है, व्यक्ति की मृत्यु तक चलती है। ठीक, अब देखेंगे विकास कई प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना, एग्जाम में क्रम इस भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो विकास कई प्रकार के होते हैं, जैसे भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास। ये जो पांच प्रकार के मैं आपको बताया, विकास भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञात्मक, शारीरिक और नैतिक, इस फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। विकास कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, पहले भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञात्मक, शारीरिक और नैतिक। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर विकासात्मक मनोविज्ञान के जीवन भर अध्ययन किया जाता है। इस टॉपिक को आप पहले फैक्ट को याद कर लीजिएगा या आप नोट करते चलेंगे कॉपी में। ठीक, विकासात्मक मनोविज्ञान का जीवन भर अध्ययन किया जाता है। दूसरा टॉपिक है, विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने जीवन काल वैज्ञानिक तरीके से कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। ठीक, तीसरा फैक्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान में विभिन्न विषयों का जो अध्ययन करने का तरीका है वो तो तीन तरीके से होता है, कौन कौन सा। तो यहाँ पर देखें, अनुदैर्ध्य अध्ययन, अनुभागीय और सहसंबंध अध्ययन। ये जो तीन प्रकार के अध्ययन है विकासात्मक मनोविज्ञान जो उसको अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन सा, अनुदैर्ध्य, अनुभागीय, सहसंबंध। ठीक, विकासात्मक मनोविज्ञान दो पहलुओं में केंद्रित है, कौन कौन सा, पोषण बनाम प्रकृति, दूसरा है निरंतर बनाम निरंतर, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ये जो फैक्ट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे विकासात्मक मनोविज्ञान दो प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है, जो आपके पोषण बनाम प्रकृति, दूसरा है निरंतरता। ठीक, अब यहाँ पर याद रखेंगे कि एक व्यक्ति गर्भाधान के समय से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक विभिन्न पहले, जैसे संज्ञात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोदैहिक आदि में परिवर्तन करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जीवन भर अध्ययन किया जाता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर आया होगा समझ में। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विकास के दृष्टिकोण से कहा जाए कि सबसे पहला समूह जिसमें कोई व्यक्ति भाग लेता है वह कौन सा कहलाता है, युग्मीय, एकादी, त्रिदी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो विकास के दृष्टिकोण से कहा जाए कि सबसे पहला समूह जिसमें कोई व्यक्ति भाग लेता है वह क्या कहलाता है, तो युग्मीय कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मीय, याद रखना, ऑप्शन होगा ए। ठीक, अब देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान में एक युग्मीय समूह होता है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, कौन कौन व्यक्ति होते हैं, युग्मीय समूह होता है जिसमें कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति, मान लीजिएगा ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, आमतौर पर माता पिता या बच्चे दो साथियों जीवन तो एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया संलग्न होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। तो ये जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 93 99 27 87 82। तो जो जो फैक्ट है उसको बताऊंगा, ये सब आप लोग एक बार रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि विकासात्मक रूप से बोलना, सबसे पहला समूह जिसमें एक व्यक्ति का भाग होता है युग्मीय, ये पॉइंट याद रखो। ठीक, जिस मनोवैज्ञानिक ने बाल अध्ययन विधियों को परिचय दिया था वह क्या था, ये स्टेनले हाल अभी आपको बताया मैं, ये वही क्वेश्चन है पूछा गया था। चलिए देखेंगे बच्चों के शरीर वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारण, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
आपके शिक्षक भर्ती के लिए और आपके हौसल बढ़ाने में बाल मनोविज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे के शारीरिक बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक अनुवांशिक पर्यावरण कोई भी नहीं, या अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों। तो इसका आंसर होगा आपका डी, अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों ही आएगा, क्योंकि बच्चों की शारीरिक वृद्धि विकास और विकास को प्रभावित करता है। आपके अनुवांशिकता को भी प्रभावित करेगा, आपके आसपास के वातावरण चारों तरफ के उसको पर्यावरण कहते हैं, आप सभी को मालूम होगा। वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, संगति वगैरह। तो जो विकास होता है, बुद्धि होती है, ये सब उसके आते हैं। तो याद रखना, बच्चों के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है अनुवांशिक और पर्यावरण। ठीक, अनुवांशिकता मतलब माता पिता से बच्चों तक उनके जीन के माध्यम से शारीरिक विकास होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऊंचाई, वजन, शरीर की संरचना, आंखों का रंग, बालों की बनावट, ये सब निर्भर करता है। ठीक, पर्यावरण। अब पर्यावरण देखिए, बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चे को प्राप्त होने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से प्रतिनिधित्व करती है। आप इसको एक बार रिविजन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अवस्था के दौरान एनिमेशन सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? प्रारंभिक, पूर्व विद्यालय, शैशवावस्था या किशोर अवस्था? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रारंभिक, बाल्यावस्था। अब देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, शारीरिक विकास आप पर देखेंगे 2 से 6 वर्ष के आयु के दौरान। ये आप देख पा रहे होंगे उतनी, ये 2 से 6 वर्ष। ठीक, ये आप देख पा रहे होंगे पूरा, आप लोग इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ में। ठीक है, ये देखिए। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ये सब 5 से 6 साल की उम्र में खाना, कपड़ा पहनना, बालों को ब्रश व्रश करना, ये सब समझ जाते होंगे। भाषा का विकास, हाँ, तो देखिए 3 से 4 शब्दों में, लेकिन पहले वर्ष के 10 महीने तक बच्चों का है ना, शिशु की, ये सब आप देख लेना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन जो है उसको मनोवैज्ञानिक मानते हैं। दंड मिलने पर ही सही कार्य, नियमों को पालन, स्वतः ही नियमों को पालन करना सही ढंग से। इसका आंसर होगा तीसरा, स्वतः ही नियमों का पालन। ठीक, यहाँ पर देखेंगे मनोवैज्ञानिक मानव का जो व्यवहार है, मानव का जो ये आप देख पा रहे हैं प्रक्रियाओं का अध्ययन ही कहलाता है। तो देखेंगे अनुशासन और नियमों का जो मापदंड है, पालन करने का जो आचार संहिता पालन करते हैं, वही आएगा इसका। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित पर किस पर बल देता है? जो मनोसामाजिक होता है, उद्दीपन व प्रक्रिया, लिंगी प्रसूति सत्ता, उद्यम बनामीन अवस्था, क्रिया प्रसूतक। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर होगा उद्यम बनाओ। ठीक, क्या होगा इसका, बोलूँ ये जो अभी टॉपिक में बताया आपको, यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी होगा। ठीक, जितने लोग आंसर सी आया है सही है, और ये बाकी मैं आपको बता दूंगा। फैक्ट देखिएगा यहाँ से, उद्यम बनामहीन अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष। ठीक, ये माता पिता यहाँ पर देखेंगे विकास की भावना विकसित करता है, चिंता की भावनाएं, ये सब फैक्ट है। यहाँ पर देखेंगे ये आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, आयु वाला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान में सहायक क्या है? अनुशासन बनाए रखने के लिए बाल विकास का मूल्यांकन है, सर्वांगीण विकास। क्या होगा इसका आंसर होगा डी, सर्वांगीण विकास। अब होता क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे
शैक्षिक मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान की एक शाखा है जो सीखने की प्रक्रियाओं और छात्रों के शिक्षण के प्रशिक्षण से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान अध्ययन क्या किया जाता है, क्या करते हैं बाल मनोविज्ञान? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था। ठीक, ऑप्शन होगा बी। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा, एक क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, नैदानिक मनोविज्ञान यानी कि मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श, संज्ञात्मक मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, व्यवहारिक मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के अनुबंधन के माध्यम से व्यवहार की समझना, जैव मनोविज्ञान मस्तिष्क व्यवहार और विकास पर शोध। ठीक, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलिनता युक्त बच्चों की शिक्षण के लिए एक विधि है? इसका आंसर होगा PECS, ऑप्शन ए। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक, अब आप लोग इसका PDF मिल जाएगा। यहाँ तक एक क्वेश्चन और बचा है क्या, देख लेते हैं बचा है ऑप्शन कौन सा। ठीक, ये देख लीजिएगा। ठीक, तो ये वाला टॉपिक भी देखेंगे, फिर ये वाला पूरा फैक्ट, ये जो आपका 500 क्वेश्चन है आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कल प्रारंभ कर रहे हैं मैथ्स का, है ना, तो मैथ्स की क्लास करनी है तो आप लोग आ जाइएगा। ओके।